सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक के सियोरा पंचायत में नव नियुक्त सरपंच उदय सिंह लोधी को हरिनारायण तिवारी ने शपथ दिलाई। तिवारी जी ने सरस्वती माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं गांधी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर, सुश्री उमा भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर नव निर्वाचित सरपंच को शपथ दिलाई। पंचों को सचिव महादेव प्रसाद दुबे ने शपथ दिलाई। सचिव ने सभी से कहा कि मतभेद को बुलाकर सभी पंचायत के विकास कार्य करने में सहयोग करें। इस दौरान नवनियुक्त सरपंच उदय सिंह लोधी ने शपथ ग्रहण करने अनिल कपूर की फिल्मी कलाकार अनिल कपूर की फिल्मी स्टाइल में आए सभी ग्रामीणों को बताया कि हमें 22 लाख रुपए मिले हैं, अभी 8 दिन पहले 36 लाख रुपए थे, 8 दिन में इतना पैसा कहाँ चला गया। तो पूर्व सरपंच और सचिव ने बताया कि पहले जो काम किए गए थे आचार संहिता लागू होने से भुगतान नहीं कर पाए थे, उनका भुगतान कर दिया गया। नव नियुक्त सरपंच उदय सिंह लोधी ने सचिव और पूर्व सरपंच रतिराम आडिया से कहा कि जहाँ जहाँ पानी के टैंकर रखे हुए हैं वे सब टैंकर पंचायत में लाकर रखे जाएं। अगर जो भी टैंकर न दे तो उसके ऊपर FIR करवाएं। साथ ही में उन्होंने कहा कि पंचायत में कोई भी कर्मचारी यदि आपसे रिश्वत की मांग करता है तो आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। नव नियुक्त सरपंच ने सचिव से कहा कि 15 दिन के अंदर जिन वृद्ध लोगों को पेंशन नहीं मिलती उनको भी दिलवाएं। इस तरह नव नियुक्त सरपंच गांव के लोगों के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो अगर अच्छे काम करेंगे तो उनका नाम होगा और आगे भी उनके लिए चुनाव के रास्ते खोल दिए जाएंगे और जनता उनको भरपूर दिल से प्यार करेगी। मेहरबान जी ठाकुर है राजपूत जी जो ग्राम की ओर आ गए है, ड्राइवर ही करते हैं और उनके घर से विकलांग है वो, कोई समय बोल दें ये कम से कम जीवन भर से विकलांगता में चलती है और सरका में रहती है, तो इनके लाने हमारे अपने सरपंच महोदय जी खड़े हैं और सचिव महोदय जी खड़े हैं जो आज तक पेंशन नहीं दिलवा सके। जब उनसे चुनाव के पहले मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भैया कि ये लोग 50% मांग रहे हैं विकलांग, ठीक है 50% के बाद ही पेंशन मिलेगी, जबकि नियम ऐसा है कि 40% के कोई विकलांग है तो उसकी भी पेंशन राशि अर्जेंट में दी जाती है। लेकिन एक मिनट लेकिन ये लोग भाई लोग गांव में ऐसे कई विकलांग हैं जिनके लिए उन्होंने कोई पेंशन राशि स्वीकृत नहीं दी है अभी तक, और जो जीते जाते उदाहरण दो लोग जो हैं और कौतम काजी को बुला रहे हैं और उनकी जो पेंशन का नुकसान अभी तक हुआ है उनकी भरपाई ये तो दोनों लोग करेंगे मिल गए। और आप लोग अगर सहमत हो तो हाँ बोलो और ना हो तो ना बोलो। और जो 42% विकलांग महिला है जो लोग 50% का बहाना कर करके अभी तक उनको 10 साल से पेंशन के मामले में पीछे रखे हुए हैं, तो उस पेंशन जो उनको आज तक मिलती है अपना जीवन का निर्वाह करती हो तो उसका जवाबदार कौन जो दोनों लोग रहेंगे भाई उनकी, हाँ दोनों रहेंगे। तो जो भी राशि है बनती है हम निवेदन करेंगे जो लोग अपने खाते से दें या घर से दें। अब भैया पूरा प्रयास करते हैं यहाँ तो कोई भी आदमी नन्या के हमारे से कागज हम जब से ऐसे आए हैं कम से कम हमने 600 से 650 तो हमने राशन कार्ड जोड़े जोर जबरदस्ती से, अगर वो गरीबी रेखा में भी नहीं आ रहा है ऐसे कई लोग हैं कितने भी उदाहरण हैं जिनके हमने नाम जुड़वाए हैं लड़ लड़के। भाई साहब आपने जो आज शपथ ग्रहण शपथ ली है सरपंच की अपने सीओआर से और आपने जो आज जनता से बात की है क्या आप उनको हकीकत में बदलेंगे? वादे पूरी किए जाते हैं, काम करना पड़ते हैं जब तो वादे कहलाते हैं। नहीं अभी तक जितने भी सरपंच रहे सिर्फ उनके वादे रहे, हकीकत कहीं से कहीं तक नहीं हो पाई, तो इस कारण आपसे उन सरपंचों के केवल वादे वादे रहेंगे। मैं जो मैंने बोले है बात की है बात होगी पानी की टैंकरों की कचरा गाड़ी हो गया, मैं साफ सफाई के भी ध्यान रखूंगा और जनता के लिए पानी की व्यवस्था कराऊंगा,
जैसा कि माध्यान्ह भोजन की शपथ में चर्चा हुई है, तो उस सभी में अपना ध्यान रखूंगा और सभी लोगों के लिए माध्यान्ह बच्चों के लिए माध्यान्ह भोजन की व्यवस्था कराऊंगा। तो जो विकलांग पेंशन रह गए हैं लोग, उनके लिए मैं बहुत अति शीघ्र जल्द से जल्द उनका पेंशन का नाम करवाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, जैसे आज आपने पेंशन का तुरंत निराकरण करवा दिया है, वर्षों से डला था, तो क्या आप पूरे विकास ऐसे ही करवाएंगे निरंतर तुरंत के तुरंत? देखो, वो महिला कम से कम 2 वर्षों से परेशान हो रही थी, 2 या 3 वर्षों से। उसकी जो उसका प्रमाण पत्र है उसमें डेट डली हुई है, उसका 42% में बना था जी। अपने सचिव सरपंच का कहना है ताकि 50% बढ़वा के लाऊं जी। और अगर आपको दिक्कत है या मैं झूठ बोल रहा हूँ तो महिला से पूछ सकते हैं आप लोग जी। वो बोलेगी कि 50% का बहाना बनाया इसे जी। हमें मालूम था कि 40% में विकलांग सर्टिफिकेट बन जाता है, पेंशन स्वीकृत हो जाती है जी। आज उस महिला का मैंने सर्टिफिकेट बुलवाया, उस महिला के लिए सामने बुलवाया और 40% में उसका मैंने अति शीघ्र सचिव से बात रखी है कि उसके लिए जल्दी से जल्दी आप पेंशन चालू करवाएं जी। भाई साहब, और जो पानी की व्यवस्था है सीवरा में कई वर्षों से नहीं हो पा रही पूर्ण रूप से, तो आप कितने दिनों में करवाएंगे अपने यहाँ की पानी की समस्या दूर? जिस दिन करीब 8 तारीख से मैं चुनाव जीता हूँ, उस दिन से पूरे गांव में पानी जा रहा है। आपको लोग ये बोलते हैं भैया यार लान बंद करवा दो, पानी खाली बिगड़ रहा है जी। तो मेंटेनेंस नहीं था, व्यवस्था नहीं थी पानी की जी। और इतने पानी में पहले चुनाव के पहले काम नहीं हो पा रहा था, जनता पानी के लिए चले जा रही थी। और अब कोई पानी है, कोई मोटर है, कोई उसमें भी कर्मचारी एक तो कम हो गए जी। उसके बाद भी आज हर आदमी के पास पानी पहुंच रहा है। जहां लाइन 1-1.5 घंटे चलती थी अपन ने थोड़ी सी कम करवा दी, अगर जहां 10 लाइनें खुल रही थी आज मैंने 12-13 लाइनें करवा दी। मतलब एक ने एक बार तो 2 बार कम हो जाते हैं जी। भाई साहब, जो आपने अभी अपने एक रोल दिखाया अनिल कपूर जैसा, तो आप क्या स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऐसा ही रोल दिखाएंगे अपने डॉक्टर को लेकर रात्रि? देखो, डॉक्टर चाहे कोई भी हो और कोई भी नेता हो, नेता से उसको नहीं होता, डॉक्टर के लिए खुद सोचना चाहिए कि उसने उसके पास एक भगवान का रूप होता है। उसको डॉक्टर के लिए कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मुख्यालय पर रहें, जनता की सेवा करें। और अगर इसके बाद भी उनकी समझ में नहीं आती है तो हम हमारे गाँव वाले मिलकर कोई ना कोई एक नया एक्शन लेंगे जी। और भाई साहब, जैसे आज आपने टैंकर का कहा था कि हम टैंकर अपने यहाँ जल्द से जल्द रखवाएंगे, तो भाई साहब जैसे कोई टैंकर नहीं रखता तो आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखो, सबसे पहले मैंने सचिव से और सरपंच से बोला है कि आप मुझे चार्ज दे रहे हैं, तो जो जो सामग्री है वो हमारे पास जमा करो, चाहे तो मतलब हमारे पास मतलब पंचायत जमा करो। आप उनके लिए मैंने कल तक का समय दिया है, वो टैंकर जमा करेंगे, जब नहीं जमा करेंगे तो उसमें टैंकरों को लेकर बुराई बुलाई अपनी जगह है जी। लेकिन जनता की सोच ये है कि जो गरीब आदमी के लिए पैसा मतलब पैसा नहीं है उनके पास, तो वो 500 रुपये में टैंकर नहीं डलवा पाते। तो जो पंचायत के टैंकर लोग रखें वो पंचायत में रखें, अपना डीजल ला रहे हैं, कोई व्यवस्था करें भर के लाए और खाली करके फिर पंचायत में रख दें, सभी लोगों के काम चलेंगे उसमें जी। और भाई साहब, जैसे कि अपने यहाँ पे कई वृद्ध लोग हैं उनको साइकिल से वंचित थे, आज आपने साइकिल बंटवा दी जिनके पास पहले से नहीं थी, और अब जिनके पास नहीं है क्या उनको आप दिलाएंगे साइकिल? देखो, जैसे कि साइकिल करीब करीब 2 वर्षों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कचड़े में पड़ी हुई, पंचायत भवन में कचड़े कहलाता है, कचड़े में नहीं थी साइकिल। तो अब अगर कोई दो विकलांग हमें दिख गए हैं और हमें मालूम है कि गांव में कितने विकलांग हैं, तो मैंने उनको वो साइकिल उठा के फटाफट आज ही दे वितरण कर दी। एक ऊषा रैकवार है जो बुआ जी गाँव की होती हैं, एक मैंने उनके लिए कर दी साइकिल, और एक अपने विश्वकर्मा जी ने। भाई साहब, आज आपने पद ग्रहण समारोह में आपको कितनी पंचायत से राशि मिली है? पंचायत के खाते में आज की डेट में करीब करीब 22 लाख रुपया के आसपास, करीब करीब 22 लाख रुपया के आसपास खाते में राशि बची हुई है। उसके पहले जी, अभी करीब करीब आज 8 दिन पहले की बात, पंचायत दर्पण भगवान ने देखा था जी, तो करीब 36 लाख राशि थी जी 8-10 दिन पहले, और उसके 1 महीने पहले करीब 55-56 लाख रुपये राशि थी जी। तो पूर्व सरपंच रतिराम जी और अपने महादेव प्रसाद सचिव महोदय जी, इन्होंने राशि को निकाला है जी। 56 में से 36 कैसे बची मुझे नहीं मालूम, तो भाई साहब इसके बाद में 22 कैसे बची जो ये मुझे नहीं मालूम, मेरे खाते में आज की डेट में केवल 22 लाख रुपये राशि है जी। भाई साहब, जो 36 लाख की राशि थी 8 दिन पहले, क्या आप उसकी जांच कराएंगे?
कहाँ गई बाजी की राशि 22 लाख? बिल अपन को बताए जी, और बिलों में अगर बिल सही पाए गए जी तो जांच की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और अगर बिलिंग फर्जी की है जी तो जांच का विषय बनता है, तो उसमें जांच अपन खड़ी करवा सकते हैं जी। और भाई साहब, जैसे कि आपने कहा था कि जो कुटीरें बन रही हैं उन पे 500 रुपये लगातार लिए जा रहे हैं सचिव या किसी भी अधिकारी द्वारा, आप बंद करवाएंगे या हकीकत ही में बंद करवा देंगे क्या? तो क्या है, जनता है, मेरी तो कुटीर है नहीं है, मुझे तो मालूम है नहीं है जी। जनता है, जनता आगे बोलती है कि 500 रुपये लेते हैं जी। आप 100 लोग मेरे पास आगे बोलते हैं तो मेरे लिए जानकारी तो है कि कुटीरों के पैसा तो लिए जा रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद में जिस जिसके नाम आते हैं, कौन सरपंच कौन सचिव पहले कैसे लेता था वो हमें मालूम है नहीं है। बाकी अब आगे आने वाले समय जी किसी से ना 500 रुपये लिए जाएगी ना कुटीर की राशि की जी। और जो कुआ निर्माण में कोई जानकारी लगती है कि 15,000 मांगते हैं 20,000 मांगते हैं, वो भी राशि बन जाएगी जी। भाई साहब, स्वच्छता को लेकर आपका क्या कदम रहेगा आगे का? स्वच्छता के लिए कदम ये रहेगा कि कचरा गाड़ी स्वीकृत बनने पहले से हो रही थी, उसके लिए बनने आज और डिमांड की है, घोषणा कर दी है कचरा गाड़ी जी, तो वो गाड़ी आ जाएगी। तो उस गाड़ी से सब लोग अपने अपने घर के सामने डिब्बे में कचरा डालेंगे, जैसे कचरा गाड़ी आएगी कचरा गाड़ी में अपना अपना कचरा डालेंगे लोग, गाड़ी जाके बाहर खाली कर आएगी। तो स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान देंगे और हाँ, जो नल जल योजना का जो बिल है, जो शायद साथ बहुत बिल बाकी है और बाकी किस कारण से है वो अपन को पता नहीं है। जनता जो रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।